दूसरा सर सवाल अक्सर ये लोग जो हम इस मैंटेलिटी के साथ बिकॉज मैंटली कंडीशन ऐसे किया गया है कि रब की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है नहीं। हालांकि रब ने हमको नहीं हिलता। हमने रब को वैसे भी खुदा ने इंसान को इज़न दिया इख्तियार दिया है बहुत सारी चीज़ों में और ये भी कहा है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने सही की और आ, अगर ये जजा और सजा का कॉन्सेप्ट ना हो तो फिर जन्नत और दोजक की जो बात की गई है उसकी तुक नहीं बनती है right. सो उसमें जब तकदीर की बात करते हैं तो आपके ख्याल से ये लोहे महफूज के बीच में कहते हैं ना जो चीज़ लिखी गई है थोड़ा सा उसको जरा क्लियर कर दीजिएगा लोगों की मेरी आसानी के लिए इसको, के इसको कोई हाई लेवल फिलोसॉफिकल बात करने की कोई जरूरत नहीं है कुरान का जो उसके बहुत सारे मौजों में से एक मौजा ये है कि उसने जो बातें फ़लसफे में फ्लेड हो उसके बाद यहाँ पर बाद में आकर यू नो साइंटिज्म के थ्रू अब और साइंटिफिक थ्योरी के थ्रू न्यू एथीज़म के थ्रू भी डिटर्मिनिज्म है कि आपकी जेनेटिक्स ने आपको प्रोग्राम किया हुआ है अब तो ये मॉडर्न साइंटिफिक लैंग्वेज में भी ये बात की जा रही है हा हमारे पुराने जमाने में क्या कहते हैं खुदा की तरफ से जी हम क्या कर सकते हैं हमारी गलती थोड़ी है अब साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या कहते हैं दिस इज जस्ट माई डू इसका जो कुरान ने जवाब दिया है वो बहुत उमदा बहुत खूबसूरत अंदाज में दिया है उसका एक लंबा जवाब है उसका ताल्लुक आदम की कहानी से है mm -hmm. उसका एक छोटा जवाब है मैं अभी फिलहाल आपको छोटा जवाब दे देता हूँ okay. छोटा जवाब उसका यह है कि कुरान, कुरान में दो तरह की चीज़ें दो तरह की एक्सपीरियंसिस हैं इंसान के एक एक्सपीरियंस वो है जिसमें उसका कोई उसका कोई इकतदार नहीं है आप किसी शहर में वहाँ जल्जला आ गया आप उसका कुछ नहीं कर सकते ठीक है आपके साथ कोई कोई मर्ज आ गया आपको जिनको हम अनकट्रोलेबल फैक्टर्स अनकट्रोलेबल फैक्टर्स ठीक है वो आपके हेल्थ से रिलेटेड हो सकते हैं आप परफेक्टली ठीक गाड़ी चला रहे थे किसी ने आपको आके मार दी आपने को ट्रैफिक लॉ ब्रेक नहीं किए राइट right? तो ये हैं आपके कंट्रोल से बाहर इनमें तो खुदा के इकतदार के बगैर कोई पत्ता वाकई नहीं हिलता ठीक ठीक है और उसमें हम अल्लाह तुमने जो कुछ मुझे दिया है अगर वो बज़ाहिर बुरा है या बज़ाहिर अच्छा है उसमें कोई ना कोई हिमत है वो मुझे मेरे ईमान का हिस्सा है ठीक है वो अपनी तरफ है दूसरी तरफ अगर आप ये करें मैं आपको सिंपल सी मिसाल दे जिंदगी में आपके साथ ऐसे हादसे होते हैं जिसमें क्लियरली आपका कोई अमल दखल नहीं है नहीं। या कोई किस खास किस्म की सिकनेस है जो जेनेटिक से रिलेटेड है या कोई यू नो वेदर रिलेटेड मसला है या नेचुरल कलेमिटी है या किसी ने आपको आके गाड़ी मार दी जैसे मैं पहले कह रहा था जो अक्सर हो जाता है यू नो जो हो जाता है आपकी गलती से ना हुआ हो उसमें वाकई हमारा ईमान यह है कि ये तमाम मुश्किलें और जिसे मुसीबत भी कहा गया है अरबी में अरबी का लफ्ज़ मुसीबत उर्दू के लफ्ज़ मुसीबत से ज़मीन आसमान का फ़र्क है अरबी का लफ्ज़ मुसीबत आता है असाबा यूसीब इसबा से इसके माने होते हैं टारगेट को हिट करना सबा से ही सवाब का लफ्ज निकला है या, यानी कोई तीर चलाता है और बिल्कुल सही टारगेट पर जाकर लगे उसे सवाब कहते हैं अरबी में साथ के साथ मुसीबत का लफ्ज अरबी में यह है जो चीज तुम्हें हिट करनी थी और तुम्ही को हिट करनी थी उसे मुसीबत कहा जाता है <laughs> यानी जो तीर जाकर सही जगह पर लगे उसे मुसीबत कहा जाता है उसी से लफ्ज कलेमिटी और डिफिकल्टी के लिए जो निकला है लव से ही एक बात पता चल रही है जो तुम पर आके गिरा है वो तुम ही पर आकर गिरना था किसी और पर नहीं बिल्कुल ठीक ठीक है ना अच्छा अब जो कंट्रोलेबल फैक्टर्स हैं उसकी तरफ आते हैं मैं आपको एक सिली सी मिसाल देता हूँ टू मी सिली एग्जाम्पल्स और द बेस्ट एग्जाम्पल आपकी गाड़ी में कुछ ऑयल चेंज का मसला है आपने जाकर ये जो है ये घी डाल दिया अपनी गाड़ी में अब गाड़ी चल नहीं रही है आप कहीं यार ये तो कदर का मसला है अल्लाह ताला तीन चलेगी कि मैं क्या कर सकता ज्यादातर हमारे मसाइल <laughs> चाहा और जो लोग कहते हैं कि मैं जिम्मेदार नहीं हूँ खुदा जिम्मेदार है अब मैं आपको एक जरा बदतमीज सी मिसाल भी दे दूँ अगर कोई मुझसे आकर ये कहे कि मैं थोड़ी जिम्मेदार हूँ सब कुछ लोहे महूज में लिखा हुआ है आप मुझे क्यों रिस्पॉन्सिबल रख रहे हो कि मैंने को गुना किया मैंने झूठ बोला मैंने चोरी की मैं कहता हूँ ठीक है और मैं ज़ोर से उनके मुंह पर एक थप्पड़ मारता हूँ किस पर गुस्सा करेंगे वो वो लोहे महफूज पे <laughs> तो <laughs> भाइय मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे करता है बिल्कुल यानी इंसान एक फलसफे की दुनिया में ख्याली दुनिया में नहीं रहता एक प्रैक्टिकल दुनिया में रहता है जहां आपसे अगर कोई ज्यादा करता है आपका बॉस आपको रेज नहीं देता तो आप ये तो कदर का मामला है आप बॉस से जाके कंप्लेन करते हो आपका बिजनेस पार्टनर आपको अपना शेयर नहीं देता नहीं। तो आप खुदा से ये तो कदर का मामला है यानी इंसान जब खुद क्राइम करना चाहे तो कहे ये तो खुदा की मर्जी और जब उसके साथ कोई क्राइम हो तो ये इसने कैसे कर दिया ये तो डबल स्टैंडर्ड ही हुआ ना बिल्कुल यानी प्रैक्टिकली स्पीकिंग इसमें मेरे नजदीक जो कुरान ने किया है इस मामले में आपको फलसफे में जाने की जरूरत ही नहीं है प्रैक्टिकल ह्यूमन एक्सपीरियंस स्पीक्स टू द ठीक इसीलिए फ़बीमा वमा अम वमाबाक मुसीबत अनफिकबी एदीकुम व याफुआन कसी क्या फ़बीमा कसबत अदी कम व याफुआन कसिर क्या अजीब आयत है सोत शुरा की जो मुसीबत भी तुम पर पड़ी है वो तुम्हारे अपने हाथों की की हुई है यानी एक कैटेगरी मुसीबतों की वो है फभी इजन जो अल्लाह की मर्जी से आते हैं उसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं ठीक है। दूसरी कैटेगरी वो है जो तुमने अपने तुम्हारे अपने हाथों का किया धरा है ने किया था ये अभी अहद के बारे में जो कुरान में आया थे मुसलमानों के सत्तर जो मारे गए तुम ही हटे थे अपनी पोजिशन से इसलिए तुम्हारे साथ ये हुआ फिर कहा ये तुम्हारे अपने हाथ की कमाई है और फिर जो मजे की बात की थी और बहुत तो वो माफ कर चुका है तुमने और बड़ी बड़ी गलतियां की हैं जिसपे पकड़ नहीं हुई तुम आकर कंप्लेन ये करते हो कि ये खुदा ने क्यों किया ये नहीं देखते खुदा ने कितना छोड़ा है बिल्कुल <laughs> <laughs> ठीक है